नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। तो हमने अब तक ये पढ़ा कि सभी बच्चे खिलौने मिठाइयाँ आदि खरीदते हैं, किंतु हामिद जो है वो लोहे का चिमटा खरीदता है। मिठाइयों के विपक्ष में और चिमटे के पक्ष में बहुत सारे तर्क भी उसके मन में उठते हैं और जाकर के अपने साथियों को परखना चाहता है कि देखूं कौन क्या आलोचना उसके चिमटे की करता है। इस प्रकार चिमटा खरीद करके वो अपने साथियों के पास जाता है। तो मोहसिन ने हंसकर कहा, हम भी देखते हैं, हम भी इच्छुक हैं ये जानने के कि हामिद के चिमटे की क्या क्या आलोचनाएं होती हैं और हामिद किस प्रकार उनका जवाब देता है। तो देखें, मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। तब हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना बिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। देखो क्या कहता है हामिद कि एक बार अपना बिश्ती ज़मीन पर रख के बताओ। बिश्ती, क्योंकि मोहसिन ने बिश्ती खरीदा था, तो हामिद कहता है कि एक बार इसको सामने रख के बताओ मेरा चिमटा क्या करता है, इसकी पसलियाँ चूर चूर कर देगा। तो महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। तो हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, वाद्य यंत्र बना करके इससे बजा सकता हूँ, ध्वनि उत्पन्न कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका करना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी कि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली। खंजरी भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। खंजरी जिसको छलनी के आकार की होती है और संगीत में उसका प्रयोग किया जाता है, बजती है, उसमें से मधुर धुन निकलती है। तो सम्मी ने खंजरी ली थी और उससे चिमटे से प्रभावित हो गया और उसने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे यानी कि अदला बदली करोगे क्या, मुझे अपना चिमटा और तुम मेरी खंजरी ले लोगे क्या। दो आने की है, मतलब महंगी भी है तुम्हारे चिमटे से। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी उसकी खंजरी में। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, यानी कि तुम्हारी खंजरी में है ही क्या, एक चमड़े की झिल्ली लगा दी है, परत लगा दी है और बजाने पर वो बोलती है। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, यानी कि यदि इस पर पानी लग जाए तो इसका सारा संगीत चला जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा, ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा में। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, सारे बच्चे प्रभावित हुए उसके चिमटे से, हामिद के चिमटे से। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, यानी कि सब पैसे तो खर्च हो गए सभी बच्चों के पास से। फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, यानी कि 9 बज गए हैं, अभी उनको सबको घर पे भी जाना है, पैसे भी नहीं है, धूप भी तेज हो रही है, बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। यदि सब बच्चों को पता है कि यदि पिताजी के पास जाकर के वे जिद भी करेंगे तो भी उन्हें चिमटा तो नहीं मिलेगा। फिर उन्हें लगता है कि हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए, दो ग्रुप बन गए बच्चों के, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, यानी कि बिल्कुल चर्चा हो रही है, तर्क वितर्क हो रहे हैं। सम्मी तो विधर्मी हो गया, विधर्मी यानी कि धर्म छोड़ दिया, यानी कि दल बदल लिया, पार्टी बदल ली, इन सबका साथ छोड़ करके वो हामिद के साथ जाने को तैयार हो गया था। दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे, यानी कि वो बड़े थे लेकिन फिर भी हामिद की बातें सहन कर, मतलब उनसे सहन नहीं हो रही थी, हामिद के तर्क उन पर भारी पड़ रहे थे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, बिल्कुल आप अंडरलाइन करें इसे, उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, बिल्कुल आप ये प्रश्न लिखेंगे।
उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। लिखिए आप प्रश्न। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, कथन किसके विषय में कहा गया है तथा क्यों? प्रश्न लिखें, फिर आप देखें उत्तर सुन लें कि उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि न्याय का बल और नीति की शक्ति किसके पास बताइए? हामिद के पास। क्योंकि प्रेमचंद जी जो है कहानीकार ने हामिद के लिए इस कथन का प्रयोग किया है। हामिद ने अपनी बूढ़ी दादी की उंगलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा है और मेले में भी उसको दादी के कष्ट का ध्यान रहा, दादी की तकलीफ उसे याद रही, तो चिमटा खरीदने का हामिद का निर्णय उसकी नीति और न्याय के पथ पर चलने के कारण हो सका है। तो उसके चिमटे के पक्ष में उसके तर्क नीति और न्याय से पूर्ण होने के कारण क्या है? प्रभावशाली। समझ में आया? फिर देखें, एक और मिट्टी है दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, शक्तिशाली कह रहा है, वह अजेय है, यानी उसे कोई हरा नहीं सकता, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाए। जो मौसिन के पास है वो तो भाग जाएगा डरते हुए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, नानी मर जाए, यानी कि वो भी डर जाए बुरी तरह से। मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। क्या कहा है हामिद? क्या कहता है हामिद? कहता है कि यदि सामने शेर आ जाए तो इन सब के जो वकील, बिस्ती, सिपाही, सबके सब डर करके भाग जाएंगे, एक मेरा चिमटा ही ऐसा है जो बिल्कुल शेर की गर्दन पे सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मौसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, क्योंकि उसका बिस्ती था वो पानी भरता था। तो मौसिन ने कहा, अच्छा तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। तो हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़क देगा, छिड़कने लगेगा, यानी कि उसको आवश्यकता ही नहीं स्वयं पानी भरने की। वो खड़ा होकर के बिस्ती को डांटेगा तो बिस्ती अपने आप भयभीत होकर के पानी ले आएगा। तो मौसिन तो हार गया उसके तर्क के सामने। लेकिन महमूद ने फिर कुमुक पहुँचाई, यानी कि उसने फिर से उसको चुनौती दी, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे। क्या कहा महमूद ने? क्योंकि उसने वकील लिया था, वकील खरीदा था, तो वो कहता है कि यदि तुम्हारा ये पकड़ा गया ना कभी कुछ गलत काम करते हुए, जब अदालत में जाना पड़ेगा तो वकील साहब के ही पैरों में पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। अब इस तर्क का कोई जवाब नहीं था हामिद के पास, तो उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? तो नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला, उसने सिपाही खरीदा था, वो कहता है कि मेरा सिपाही तुम्हें पकड़ने आएगा। तो हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? ऐसा कहता है हामिद। मौसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। चोट यानी कि उसने इस प्रकार का तर्क दिया कि हामिद को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा उसे। तो उसने क्या कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, यानी कि उसने तो ये सोचा था कि हामिद के पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा, लेकिन ये बात नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसने हामिद ने तो तुरंत उत्तर दे दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, यानी कि कायरों की भांति बिल्कुल घर में घुसकर बैठ जाएंगे। आग में कूदना बिल्कुल मुहावरा है, यानी कि कठिन परिस्थिति का सामना करना, मुकाबला करना। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। तो महमूद ने एक जोर लगाया, उसने फिर से कहा, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। क्या कहा? कि हमारे वकील साहब तो कुर्सी पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में, यानी कि रसोई घर में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। तो इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, यानी कि वो भी इस तर्क को सुन करके वो भी चौकन्ने हो गए। कितने ठिकाने की बात कही, यानी कि बहुत सटीक बात कही है पट्ठे ने।
चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। यानी कि ये बात सबको बहुत अच्छी लगी। तो हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, फड़कता हुआ यानी कि प्रभावशाली जवाब नहीं सूझा, तो उसने धांधली शुरू कर दी, चीटिंग करना शुरू कर दिया। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा, यानी कि उसका पेट चीर देगा, चिमटा जो है वकील साहब का पेट फोड़ देगा। हालांकि बात कुछ बनी नहीं थी, खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, लेकिन फिर भी कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, यानी कि उस बात ने सबको बहुत प्रभावित किया। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। तीनों सूरमा कौन, तीनों बहादुर कौन, नूरे, महमूद और मोहसिन, मुंह ताकते रह गए। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, अच्छा सॉरी, तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलजा कनकोवा किसी गंडे वाले कनकोवे को काट गया हो। देखो, धेलजा कनकोवा और गंडे वाले कनकोवे का आशय है, एक बड़ी पतंग मानो छोटी पतंग को काट लेती है, यानी कि बड़ी पतंग जो पूंछ वाली बड़ी पतंग और बिना पूंछ वाली छोटी पतंग को जैसे काट लेती है, बिल्कुल वैसे ही इनके पास अब कोई उत्तर नहीं रह गया था। तो ये क्या है, धेलजा कनकोवा किसी गंडे वाले कनकोवे को काट गया हो, तो ये प्रतीक किसकी है, धेलजा कनकोवा, और धेलजा कनकोवा जो कुतर्क का प्रतीक है और गंडे वाला कनकोवा जो है वो प्रभावशाली तर्क है। एक कि प्रेमचंद ने ये उदाहरण देकर के इस प्रकार प्रकट किया है कि हामिद के कुतर्क ने अन्य लड़कों के तर्कों को प्रभावहीन कर दिया। धेलजा कनकोवा जो है वो हामिद का तर्क है और गंडे वाला कनकोवा जो है वो उन बच्चों के जो तर्क है कि भाई बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, और यहाँ पर हामिद कहता है, हामिद क्या कहता है कि वकील के कानून को उसके पेट में घुसा देगा। हालांकि ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है, लेकिन ये कुतर्क उस पूंछ वाले पतंग की भांति है जो बिना पूंछ वाली पतंग को काट देती है, यानी कि उनके तर्क को काट दिया है हामिद की बात ने। यानी कि कहने का आशय ये है कि अन्य लड़के जो है वो इसके तर्क से बिल्कुल इतने प्रभावित हुए कि अब उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रह गया, निरुत्तर हो गए थे वे। उनको हामिद के कानून में पेट में, हामिद का कानून को पेट में डालने वाला कुतर्क जो मिला था उसका कोई काट उनके पास नहीं था, इनकी कोई जवाब उनके पास नहीं था। ठीक है, उसको पेट के अंदर डाल दिया, कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है, इनकी कुछ नया था उसमें, तो प्रभाव जम गया। हामिद ने मैदान मार लिया, यानी मैदान जीत लिया, जंग जीत ली, यानी कि यहाँ हामिद का चिमटा सब पे प्रभावशाली साबित हो गया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला, जो जीतता है उसको स्वागत सत्कार तो मिलता है, बिल्कुल हामिद अब जीता है, यानी कि उसका चिमटा सर्वश्रेष्ठ है, ये प्रमाणित हो गया है, तो अब उसे भी देखो क्या कैसा पुरस्कार मिला है। औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया, उसने तो तीन ही पैसे खर्च करके और इतना प्रभाव जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा, वो भी बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी, अब समझौता होने लगा सभी मित्रों में। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। अब देखो अदला बदली होने लगी। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए हामिद के सामने। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, हामिद बेचारा अब खिलौनों से खेलने लगा। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, क्या बोला, हामिद ने कहा कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है अब बोले, अब बोले, यानी कि तुम्हारे खिलौनों के आगे मेरे चिमटे की क्या बिसात, तुम्हारे खिलौने तो ऐसे सजीव लगते हैं मानो ये अभी बोलने लगेंगे। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता, चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। सिक्का बैठना बिल्कुल मुहावरा है, सिक्का बैठना यानी कि प्रभाव जमना, तो चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था, यानी कि उसका बहुत प्रभाव सब पर पड़ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था, यानी कि चिमटे का टिकट ऐसे चिपक गया था, यानी कि उसका ऐसा प्रभाव हो गया था कि अब किसी प्रकार के दिलासे से उनके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी।
मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा, यानी कि ये खिलौने हमने खरीदे हैं, कोई हमें दुआ नहीं मिलेगी। महमूद ने कहा, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, यानी कि दुआ की उम्मीद क्या करते हो, मार नहीं पड़े तो ठीक है। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल भी उसे ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह भी है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए तो महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, यानी कि उसके साथ केले शेयर किए, उसे भी दिया और खुद भी खाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना भी मुहावरा है, बिल्कुल मुंह ताकना यानी कि सिर्फ ताकते रह जाना, देखते रह जाना। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था, यानी उस चिमटे के कारण ही हामिद को ये प्रसाद मिला था, यानी कि ये प्रभाव चिमटे का इतना अधिक हो गया था। तो अब तक के लिए इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। जो प्रश्न मैंने आपको लिखाया है, बिल्कुल वो प्रश्न आप अपने अभ्यास प्रश्न के साथ करेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।